दोस्तों, अंजू गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है ये पत्थर चट्टा। आप सामने देख रहे हैं, ये पत्थर चट्टा का प्लांट है। दोस्तों, ये सकुलेंट प्रजाति का प्लांट है, यानी इसकी जो पत्तियां होती हैं, आप ये देखिए, इसकी कोई दो पत्तियां थी, ये गिरी पड़ी थी, मैंने इसको उठा लिया और देखिए इसमें ये ऐसे पानी सा दिखेगा आपको, मतलब इनकी पत्तियों के अंदर ही अपना पानी होता है। तो जब भी ये आप ये प्लांट लगाएं तो इसको ज़्यादा पानी मत दें, केवल 3 दिन में एक बार इसको आप पानी देंगे, वो इसके लिए काफ़ी रहेगा। उगाना बहुत आसान है, चाहे तो आप इसको पत्ती से, ये केवल ये एक पत्ती है, इसको आप ज़मीन में गाड़ेंगे तो भी ये प्लांट उग जाएगा। जैसे ये दिखा, ये आप इसी तरह के अंदर ऐसे डाल दीजिए, ये वैसे ही अपनी जड़ें बना लेगा और इसको आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी केयर की बात करें तो इसको आप खाद के तौर पर आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं, कीड़े वगैरह का अटैक नहीं होता, क्योंकि ये एक औषधीय पौधा है। इसलिए देखिए, इसका नाम है पत्थर चट्टा, यानी ये पत्थर को भी चट कर जाता है, इसलिए इसका नाम पत्थर चट्टा पड़ा है। जो भी पथरी के रोगी हैं वो इसकी एक पत्ती को खाली पेट सुबह एक पान की तरह चबाएंगे तो उनकी पथरी निकल जाती है। और साथ में अगर किसी को अगर कान दर्द की शिकायत है, अगर इसका जो रस है उसको कानों में हल्का सा गर्म करके डाला जाए तो ये उसको भी दर्द को खींच लेता है। कई बार बच्चों को छोटी छोटी फींसियाँ हो जाती हैं, इसको तवे पर गर्म करके इसका ये पत्ता लगा दिया जाता है, जिससे वो उसका जो फींसी है वो फट के उसका सारा गंध निकल आता है। यानी ये गुणों का भंडार है, ये पौधा लगाना बहुत सस्ता है, ये आपको आसानी से ये नर्सरी में मिल जाएगा, इतना महंगा नहीं है कि आप इसको खरीद ना सकें, आसानी से लगाइए गमले में। और इसके साथ साथ आप इसको छाया में भी रख सकते हैं, इसको छाया इसको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा धूप में इसकी जो पत्तियां हैं वो आपको एकदम से पीली पड़ जाती हैं और सड़ जाती हैं। और इसके साथ साथ एक तरह से ये कैक्टस की जो प्रजाति है ये उसी का प्लांट है। बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि आप इसको पानी केवल 2 या 3 दिन में एक बार दें तो ये पौधा आपको सदा से, ये आपको जो भी इसके फायदे हैं, और साथ में ये दिखने में भी खूबसूरत है, एक खूबसूरत अपने गार्डन को ये आप इसको पूरा करने के लिए, एक सुंदरता को पूरा करने के लिए भी लगा सकते हैं। आशा है आपको पत्थर चट्टा प्लांट के संबंध में आपकी ये जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।